और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथ का ये फर्स्ट मॉक टेस्ट है जिसमें हम 10 प्रश्न डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे फर्स्ट आपका प्रश्न है कि 5 सही 3/2 को विषम भिन्न में बदलने पर मान प्राप्त होगा। तो 5 सही 3/2 को बदलने के लिए सबसे पहले तो आप 5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद 10 आएगा और 10 आने के बाद आप इसमें ऐड कर दोगे 3 को। ठीक, तो 10 को 3 में ऐड करेंगे तो 13 होगा, तो 13/2 इसका आंसर आ जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि ठीक है, क्योंकि डिवाइड भी प्रश्न पूछता है, क्योंकि आपका लेसन 2 गुणा और भाग की संक्रिया है, तो आपके एग्जाम में डिवाइड से रिलेटेड प्लस मल्टीप्लाई से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपका प्रश्न है कि 12/75 / 25 का मान होगा, तो सिंपल 12/75 में 25 का भाग दे दीजिए, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 51, जैसे आप नीचे देख सकते हो मैंने यहाँ लगाए हैं। ठीक है, ये देखिए अगला आपका प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में हो सकता है डिजिट चेंज हो, बट ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में 100% आएगा। जैसे ये प्रश्न है कि 24/80 का कितने प्रतिशत है। ठीक है, तो जो 80 है इसमें से जो 24 है वो कितने प्रतिशत है ये बताना है। ठीक है, तो 24/80 का कितने प्रतिशत है सिर्फ ये सॉल्व करना है, तो 24। ठीक है, और क्योंकि 80 ये आपका 80 पूरा है, ठीक, इसमें से 24 जो है कितने परसेंट है ये बताना है। तो 24 मान लीजिए 100, तो 0 से 0 कट जाएगा, 8 से ये 3 बार में जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा कि 30%, मतलब 80 में से जो 24 है वो 30% है। अब देखिए और एक उदाहरण के लिए, जैसे कि मान लीजिए आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि 25, ठीक, 25/50 का कितने प्रतिशत है। ठीक है, तो सिंपल आपको क्या करना है कि 25 लिखना है इनटू 100 और नीचे आपका, जैसे यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, 25 इंटू 100 बटे में 50, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से ये 5 बार में जाएगा और 5 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 50। तो ये 50%, 25/50 का कितने परसेंट है, तो 50%। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि 56/70/84 का लसप ज्ञात कीजिए। तो सिंपल इसका एलसीएम निकाल देना है, तो जैसे लिख सकते हो कि 56/70/84 का लसप, और यहाँ आप लिखोगे कि गुणनखंड विधि द्वारा, उसके बाद सबसे छोटी से छोटी, क्योंकि लसप में सबसे छोटी से छोटे अंक को लेते हैं, तो 2 के लेंगे। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे गुणनखंड विधि द्वारा आपको पता होगा। तो सब कुछ करने के बाद आप यहाँ इससे मतलब जितने भी है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई जैसे करेंगे तो आपका इसका आंसर आ जाएगा 840। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि क्योंकि यह स्थानीय मान से भी रिलेटेड प्रश्न आएगा, तो प्रश्न है कि 83/65 में 3 का स्थानीय मान क्या है। तो 83/65 में 3 का स्थानीय मान है 300। ठीक है, अब कैसे, क्योंकि ये बहुत इजी है, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे 5 का अगर पूछा होता तो 5 होता, 6 का पूछा होता तो 60 होता। ठीक है, 3 का पूछा है तो 300 होगा, इसी तरह 8 का पूछा होता तो 8000 होता। ठीक है, तो यहाँ 3 का पूछा है तो आपका 300 हो जाएगा। अगला जो आपका प्रश्न है कि किसी कक्षा में 30 बच्चों में, और ये जितने भी प्रश्न हमने डिस्कस भी किए हैं और ये आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे, जैसे कि 2017 हो गया, 2018 हो गया, वही प्रश्न लाए हैं जो कि आपके एग्जाम में जिस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न है कि किसी कक्षा में 30 बच्चों में से 80% बच्चे उत्तीर्ण हैं, तो कक्षा में कितने बच्चे उत्तीर्ण है, मतलब इस 80% का संख्या निकालना है कि 30 में से कितने मतलब बच्चे पास है, जो 80% है या 20 है, मतलब ये आपको मतलब राइट आंकड़ा बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप अपने कॉपी में लिखेंगे कि बच्चों की संख्या कितनी है 30, और बच्चे जो उत्तीर्ण हुआ है उनके प्रतिशत कितना है, तो 80%। तो कक्षा में कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं उनकी संख्या ज्ञात करना है।
ठीक है, तो 30 में से 80% मतलब पास है, तो बस उसका संख्या निकाल देना है। तो 30 × 80 और परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 8 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ आपका संख्या आ जाएगा 24 बच्चे ऐसे हैं जो पास है और उसमें से 6 जो है वो फेल हो गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रश्न पूछे जाएंगे तो सॉल्व करना है। अगला आपका छठा प्रश्न है, क्योंकि अपवर्तक अपवर्त में से भी प्रश्न पूछा जाएगा, तो 9 का अपवर्त क्या है। ठीक है, अपवर्त पूछे तो इसका मल्टीप्लिकेशन मतलब मल्टीप्लाई या फिर टेबल भी कह सकते हो। ठीक है, तो 9 का अपवर्त जैसे कि 9, 18, 27, 36, ठीक है, आप जितना भी चाहो दे सकते हो। ठीक है, तो ये रहता है पूरा। अब देखिए जैसे कि यहाँ है अपवर्त हो गया, तो अब यहाँ सवाल आता है कि अपवर्तक किसे कहते हैं। ठीक है, तो 50 का अपवर्तक क्या है। ठीक, तो 50 का अपवर्तक मतलब कि डिवाइड, 50 को ऐसे कौन कौन से अंक हैं जो डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले तो 1 हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद 2 हो जाएगा, 3 नहीं काट सकता है, फिर 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, फिर 50 हो जाएगा, ये सभी 50 को डिवाइड कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1, 2, 5, 10 एंड 50। ठीक, अगला आपका प्रश्न है कि 18% का भिन्न रूप होगा। ठीक है, तो 18% दिया है और उसको भिन्न में चेंज करना है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए आप यहाँ देख सकते हो कि 18 लिखेंगे और परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा। ठीक है, अब यहाँ हम 2 से काटेंगे तो 2 से ये 18 9 बार में जाएगा, और 2 ही से नीचे काटेंगे तो ये 5 बार में जाएगा। तो ये आप देख सकते हो कि इसका भिन्न रूप हो गया 9/50, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नौवा आपका प्रश्न है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई 15 मीटर एवं चौड़ाई 10 मीटर है, तो मैदान का परिमाप एवं क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब कोई आयताकार है, ठीक है, आयताकार आपको पता है कैसे रहता है, ये आपका आयताकार होता है। ठीक है, तो इस आयताकार की लंबाई 15 मीटर है, तो इससे जाहिर है कि ये भी 15 मीटर हो गया, और कह रहा है चौड़ाई 10 मीटर है, तो ये 10 मीटर तो ये भी 10 मीटर। ठीक है, अब पूछ रहा है तो उस मैदान का परिमाप एवं क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है जो ये आपका पूरा है, ये क्या है, परिमाप है, और जो इसका एरिया मतलब जो घेरता है, ठीक है, वो क्षेत्रफल होता है। ठीक, तो सिंपल इसका सूत्र यही होता है परिमाप ज्ञात करने के लिए कि आयताकार मैदान का परिमाप बराबर चारों भुजाओं का योग। तो सिंपल आप इसमें ऐड कर दीजिए 15, 15, 30 और इसमें 20 ऐड करेंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 50 मीटर। ठीक है, आपका परिमाप 50 मीटर आ गया। अब इसका पूछा है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल पूछा है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो सिंपल आप 15 का क्या दिया है, 15 और 10, तो 15 और 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 150 वर्ग मीटर। आपको जब क्षेत्रफल पूछे तो वर्ग मीटर, और जब परिमाप पूछे तो मीटर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये गलत मान लीजिए क्षेत्रफल सॉल्व कर रहे हो और वहाँ मीटर लिख दिए 150 मीटर, तो फिर गलत हो जाएगा। सब कुछ सही रहते हुए आपका गलत हो जाएगा। तो सबसे मेन इम्पोर्टेंट, आपको यहाँ वर्ग मीटर अगर क्षेत्रफल ज्ञात करने को बोले और परिमाप बोले तो जैसे आपको पता है 50 मीटर, तो यहाँ 50 मीटर लगेगा। तो ये आपको कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन याद रखने चाहिए। ठीक, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए दसवां प्रश्न आपके लिए है। ठीक है, और कई बार ये प्रश्न हमने डिस्कस भी किया है जो कि बहुत ही इजी है। ठीक है, एक साइकिल रुपए 1800 में बेचने पर 10% की हानि हुई। ठीक है, कोई साइकिल है जिसको बेचने पर मतलब 1800 में बेचा गया है तो 10% की हानि हो गई, तो साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक, तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताना है। ठीक है गाइज, तो आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो आपका एग्ज़ाम है ये अब हो सकता है कि मई में आपका एग्ज़ाम हो, क्योंकि आपको पता है कि 14 अप्रैल तक पूरा मतलब लॉकडाउन कर दिया गया है। ठीक है,
तो इसलिए आप अपना अच्छे से, अगर आपने सब कुछ पढ़ लिया है तो बिल्कुल शुरुआत से फिर से स्टडी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर आप फिर छोड़ दोगे तो इतना दिन से पढ़ा हुआ सब कुछ बेकार हो जाएगा। तो आप डेली अपना स्टडी करते रहिए। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, आप इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में जरूर करिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।